हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं लर्निंग वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में पढ़ेंगे साउंड ऑफ वॉवल ए। ठीक है, वॉवल साउंड ए के बारे में हम पढ़ेंगे और वॉवल साउंड ए की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वॉवल साउंड्स की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सी ए टी कैट, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ना, मतलब वर्ड हैं, उनके बीच में वॉवल ए साउंड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट है, लास्ट में भी कॉन्सोनेंट है और बीच में वॉवल है। इन जो वर्ड्स को हम कहते हैं सीवीसी वर्ड। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट की जो ब्लेंडिंग होती है ना, उसे कहा जाता है सीवीसी वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ए साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे है सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एच ए टी हैट, बी ए टी बैट। ठीक है, ये जो है वो सीवीसी वर्ड होते हैं और इसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सी ए टी, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है और जो ए है वो वॉवल साउंड है। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एच ए टी हैट, बी ए टी बैट। ठीक है, नेक्स्ट है एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, वी ए एन वैन, टी ए पी टैप। स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स भी शो हो रही हैं, साथ में उनकी स्पेलिंग शो हो रही है। ओके, तो आप इसको मेरे साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, वी ए एन वैन, टी ए पी टैप। अगर आप इसको लाउडली रीड करते हो मेरे साथ, तो क्या होगा कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो स्पेलिंग है वो लर्न हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो साउंड्स हैं, जैसे ए डी साउंड, ए जी साउंड, ए एम, ए एन, ए पी, है ना, ये साउंड्स के बारे में हम इनके जो कुछ वर्ड्स हैं उनको रीड करते हैं। ए डी साउंड में तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये जो सी वी सी वर्ड हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ इसको लाउडली रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए डी साउंड। ठीक है, ए डी एड, ठीक है, पी ए डी पैड, एच ए डी हैड, डी ए डी डैड, बी ए डी बैड, एल ए डी लैड, एस ए डी सैड। ओके, नेक्स्ट साउंड है ए जी साउंड। ठीक है, ए जी साउंड को हम एग साउंड बोलते हैं। ठीक है, बी ए जी बैग, डब्ल्यू ए जी वैग, जी ए जी गैग, एल ए जी लैग, आर ए जी रैग, टी ए जी टैग। ओके, नेक्स्ट है एम, ए एम एम। ठीक है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, जे ए एम जैम, एच ए एम हैम, आर ए एम रैम, डी ए एम डैम, वाई ए एम यैम, सी ए एम कैम। ओके, नेक्स्ट साउंड है ए एन, एन साउंड। ठीक है, टी ए एन टैन, एफ ए एन फैन, वी ए एन वैन, सी ए एन कैन, पी ए एन पैन, आर ए एन रैन। ओके, आपको ये जो साउंड्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, आप इनको रिवाइज करना। नेक्स्ट है ए पी साउंड। ठीक है, ए पी साउंड को हम बोलते हैं एप, एन ए पी नैप, जी ए पी गैप, टी ए पी टैप, एम ए पी मैप, सी ए पी कैप, एल ए पी लैप। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा, एन ए पी नैप, जी ए पी गैप, टी ए पी टैप, एम ए पी मैप, सी ए पी कैप, एल ए पी लैप। ठीक है, नेक्स्ट साउंड है एट, सी ए टी कैट। ठीक है, ए टी साउंड क्या होता है, एट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एम ए टी मैट, बी ए टी बैट, एच ए टी हैट, एफ ए टी फैट। ओके, नेक्स्ट जो साउंड है वो है ए आर। ठीक है, आर, सी ए आर कार, डब्ल्यू ए आर वार, टी ए आर टार, बी ए आर बार, जे ए आर जार, एफ ए आर फार। ओके, तो आप इन साउंड्स की प्रैक्टिस करना। आपको अगर ये स्पेलिंग्स लर्न है, क्योंकि जो वर्कशीट्स होती हैं उसमें कहा जाता है कि आप ए डी साउंड के कुछ वर्ड्स लिखिए, अगर आपको ये लर्न होंगे तो आपको ए डी साउंड जो है वो लिखने में, उसके राइमिंग वर्ड्स लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है।